ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो कि आपके बिगड़े हुए काम बना देगा। इस मंत्र से आप किसी का भी स्तंभन कर सकते हैं, किसी पर भी मोहिनी लगा सकते हैं, और ये इतनी जल्दी कार्य करता है कि बस पूछिए मत। बहुत शीघ्र कार्य करने वाला ये मोहिनी वशीकरण मंत्र है जो कि पल भर में काम कर जाता है। जो हमारे गुरु थे उन्होंने मना किया था कि इस मंत्र को किसी को भी ना बताना जब तक कि वो पात्र जो है इसके लायक ना हो जाए। किंतु आजकल जो विषम स्थिति आ रखी है उसको देखते हुए मैं ये मंत्र आप सबको दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसे कॉल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां मैं रोज़ सुनता हूँ जिनसे कि मेरा दिल जो है वो पसीज जाता है। इसलिए मैं आपको ये मोहिनी मंत्र दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने पति को, अपने वाइफ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन आपको शुरू करना है। आपको क्या करना है कि एक चंदन की जो लकड़ी होती है उसको नदी तट पर जाकर आपको 3 दिन तक किसी कमल के तालाब में डाल आना है, और ऐसे नहीं डाल आना कि आपको दोबारा वो मिले ही ना। उसको डाल आइए, लेकिन आप इस तरह से उसको रख के आएँ कि आप 3 दिन बाद उसको निकाल सकें। यदि घर से बाहर जाना पॉसिबल ना हो, क्योंकि कई माताएं बहनें होती हैं जो कहती हैं कि घर से बाहर जो है वो जा नहीं सकती, तो ऐसी स्थिति में आप जो है एक कोई तांबे का पात्र लें और उसके अंदर इस चंदन की लकड़ी को रख दें। अब आपको क्या करना है कि जब 3 दिन हो जाएं तो 3 दिन के बाद आपको इस चंदन की लकड़ी को तिलक बना लेना है। लेकिन यदि आप इसके शीघ्र फल चाहते हैं तो आपको नदी में ही ये प्रयोग करना होगा। नदी के अलावा यदि आप कहीं और करते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यदि नदी में ये प्रयोग किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन इसके असर मैंने देखे हैं। तो आपको क्या करना है, मंत्र से इस लकड़ी को सिद्ध कर लेना है। मंत्र की संख्या होगी 10,000 बार। जब आप अपनी जप संख्या को 10,000 बार कर लें, इसके बाद 11वें दिन आपको उस लकड़ी से तिलक लगाना है। जो मंत्र है वो चैतन्य है। ये ऐसा मंत्र है जिसमें कि कोई सिद्धि नहीं करनी, आपको बस 10,000 बार ये मंत्र पढ़ना है और ये आपको पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देगा। जब भी कभी आप ये प्रयोग शुरू करें तो आप याद रखें कि रात्रि का समय होना चाहिए। रात्रि के समय में आपको ये करना है। जो आपका आसन होगा वो लाल रंग का होगा, सूती का, कोई भी सूती का अगर आपके पास लाल आसन पड़ा है तो वो बिछा लें, और उसके बाद आपको ये सामग्री अपने पास रखनी है। कोई जल का पात्र और 3 सुपारियाँ, घी और दिया बाती, ये सब जो है आपको दिया प्रज्वलित करके इस मंत्र का जाप करना है। लाल रंग के फूल, कनेर के फूल हो तो बहुत अच्छा है। तो ये सारा कुछ जो भी आप जैसे प्रार्थना करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से ये सब पास में रखकर आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र 11 दिनों के भीतर भीतर पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप 10,000 की संख्या में जाप कर रहे हैं तो आपको 11 दिनों के भीतर भीतर इसको पूरा कर लेना है। 11 दिन तक आपको इसका जाप करना है। जाप करते हुए कभी भी ऐसी जगह में ना जाएं जहां पर कि कोई आपको देख सके। एकांत में, बिल्कुल एकांत में ये करना होता है, और एकांत में जब आप इसे करें तो याद रहे कि आपके आसपास कोई ना हो। यदि किसी ने आपको ये करते हुए देख लिया तो आपका जो प्रोसेस है वो विफल हो जाएगा, ये जो प्रयोग है ये काम नहीं करेगा। आपको एकांत में अकेले होकर तब ये प्रोसेस करना है, और इसके बाद जो है ये आपको पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देगा। तो आइए
मंत्र जान लेते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभिनी मोहिनी वशीकरण अमुख मोहिनी मम वश्यम करी करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो मोहिनी मंत्र है बहुत ही कारगर है किसी को अपने अधीन करने के लिए। आपको क्या करना है कि इस मंत्र की 10,000 की जप संख्या में 11 दिनों तक इस मंत्र का जाप करना है। आसन जो आपका रहेगा वो सूती रंग का लाल रंग का होना चाहिए और उसको बिछा लीजिए, एक दिया जलाइए घी का और उसमें जो है सूत की बत्ती लगाइए और फिर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उस पर अपना हाथ रखिए और अग्निदेव से अपने कार्य की सफलता मांगिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आपकी ये साधना चलेगी तब तक आपको एकांत में वास करना है। 11 दिनों तक एकांत में वास कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन कीजिएगा और 11वें दिन जो है आपको इसका असर पूर्ण रूप से दिख जाएगा। जैसे ही आप ये क्रिया करनी शुरू करते हैं तो पहले दिन से आपको इसका असर दिख जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको इसका असर ना दिखे तो आप इस क्रिया को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही गोपनीय और बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली ये मोहिनी मंत्र जो है ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ और इसके बारे में मैंने जो भी आपको बताया वो बहुत कम है। असीमित इसकी शक्तियाँ हैं जो कि कहना मेरे शब्दों में नहीं है, मतलब इसके लिए शब्द नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो मैं कह सकता हूँ जो मैं बोल सकता हूँ वो उन शब्दों में इतना वजन नहीं है कि इसकी शक्ति को नाप पाए। असीमित बल के साथ ये आपके साथी को आपके अनुकूल कर देगा चाहे वो कितना ही दूर क्यों न रहता हो। ये 7 समंदर पार जैसे हम कोई चीज़ भेजते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन इससे 7 समंदर पार बैठा हुआ व्यक्ति भी आपके कदमों में आ गिरेगा। वो इतना बेचैन हो जाएगा कि बस उसको न दिन दिखेगा न रात, बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी को पागल करने के लिए मोहिनी लगा देते हैं और तंत्र में इसकी सख्त मनाही है। तो किसी का भी अनिष्ट ना करें, यदि मन में सच्चा प्यार हो तभी इस मंत्र को लगाइएगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ईर्ष्यावश या फिर किसी भी द्वेष के कारण ये जो मोहिनी है ये दूसरों के अहित के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके इस मंत्र का किसी पर भी कोई कुप्रभाव या फिर अपनी कोई भी उल्लू सीधा करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। बस यदि मन में सच्चा प्यार हो तभी इसको कीजिएगा। ये मंत्र जो मंत्र तंत्र जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको पूरा किया जा सके, या फिर आप कुछ कह ना पा रहे हों सामने वाले से और हिचकिचाहट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि सुगमता से आपके रिलेशन बने। ये इसलिए नहीं होता कि किसी को हानि पहुंचाई जाए। तो ये बहुत ही पावरफुल है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि इसका किसी का भी अहित करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। बहुत ही गूढ़ मंत्र है जो कि मैं विरले ही कभी बताता हूँ, वरना ये जो है ये मैंने छुपा के रखा हुआ था। तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और याद रहे कि इसकी जो इसका जो गुम्फन है वो सही होना चाहिए। जब तक आपका गुम्फन आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि 11 दिनों तक आपको इसका 10,000 की संख्या में प्रतिदिन जाप करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपको कंठस्थ हो जाता है और इसके बाद जब 11वें दिन में आप इसका प्रयोग करते हैं तो जो नतीजे हैं वो आपको पहले ही दिन से दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबको फलित करने में ये कारगर है। किसी भी तरह की त्रुटि हो, मंत्र ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 में, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। और यदि किसी भी तरह का कोई भी जो यंत्र है वो आपको चाहिए या फिर
कोई कोर्स करना हो आपको, तो आप कालीविद्या.com से ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।